नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा लगातार भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगोली प्रशासन ने दो गांवों से लाखों रुपए की जमीन से कब्जा हटाया। ग्राम धारडी और ग्राम अंडिया में प्रशासन द्वारा कब्जा हटाकर लाखों रुपए की जमीन बचाई गई। नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा लगातार भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य सिंगोली में भी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ग्राम अरनिया और धारणी में लाखों रुपए की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। एसडीएम राजेन सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार देवेंद्र कछावा ने ग्राम अरनिया माली में 3 हेक्टेयर से अधिक भूमि और ग्राम धारणी में 2400 वर्ग फीट भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराई। ग्राम अरनिया में रामकुमार पिता बालूदास बैरागी, मोहनदास पिता बालूदास बैरागी और श्यामदास पिता बालूदास बैरागी द्वारा 3 हेक्टेयर से अधिक शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए थी। इस शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ ही ग्राम धारणी में मोहम्मद आलम पिता मोहम्मद शकूर मुसलमान द्वारा 2400 वर्ग फीट की जमीन पर भी अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसकी कीमत 24 लाख रुपए थी। इस जमीन को भी जावर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।